हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल हैं आपके। आज दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आने वाला हूं। जी हां, दिल्ली मेरठ के बीच बनने वाली RRTS कॉरिडोर का फर्स्ट प्रोटोटाइप आ गया है दुहाई डिपो में। तो मैं यहां पे आ चुका हूं और आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूं, कैसा इसका रेक्स होने वाले हैं, क्या इंटीरियर होने वाला है, कैसी सीटिंग पोर्शन होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये देखिए आप मेरे पीछे यही लगा हुआ है, उसका प्रोटोटाइप आया है अभी बेसिकली। तो एक ही कोच है इसका, प्रीमियम क्लास का कोच है। इसके अंदर मैं जाके आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलते हैं इसके अंदर और आपको सब सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है, देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो आप सामने आप देख रहे हैं, ये इसका मॉडल है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप। चारों तरफ आपको रेलवे ट्रैक के बगल में हरियाली मिलेगी चारों तरफ। और ये स्टेशन का प्रोटोटाइप आप देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का स्टेशन बनेगा। और ऊपर सोलर आपको पैनल देखने को मिल जाएंगे, ये पूरा वहाँ तक देख सकते हैं ना, पूरा प्रोटोटाइप है। और बहुत ही जल्द बनकर ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्द ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और इसका इंटीरियर पूरा दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं अभी मैं उसी के कोच में हूं, ये प्रीमियम क्लास का कोच है। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूं। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे फ्रंट पे एक हमारे इंडियन फ्लैग का लोगो लगाया हुआ है, इंडियन फ्लैग। और अंदर देखें, ये ड्राइवर केबिन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये ड्राइवर केबिन है, कुछ इस तरीके का गेट है। और यहाँ पर ड्राइवर्स के कंट्रोल्स वगैरह हैं, कुछ ऐसा नज़र आने वाला है, देखिए। चलिए मैं इसके केबिन में लेकर चलता हूँ आपको। और अंदर आके भाई साहब, एसी चल रही है इसमें, तो अंदर कुछ इस तरीके का इंटीरियर जैसा मेट्रो में होता है वैसा आप देखिए यहाँ पे। और ये सारे स्टेशन की जानकारी यहाँ पे दी गई है, सरायकाले खां से लेकर मोदीपुरम तक, ये सारे स्टेशन देख रहे हैं ना आप। काफ़ी शानदार इंटीरियर, तो फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी भाई मेरे को काफ़ी शानदार लग रहा है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी एक एसी रखी हुई है, ओनली एक्स्ट्रा रख दी है यहाँ पर। और विंडो देखेंगे कुछ, काफ़ी बड़ी इसकी विंडो साइज है, जो गेट देख रहे हैं ना, काफ़ी बड़ा साइज है गेट का, गेट का काफ़ी बड़ा साइज है। तो दोस्तों सीटिंग पोर्शन की बात करूं, आपको एक चार्जिंग सॉकेट यहां पे दिख जाएगा। सीटिंग पोर्शन देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है ये। और यहां पे हैंड रिस्ट रेस्ट आपको दिया गया है एक, और तो सीटिंग पोर्शन तो काफ़ी सही है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप डस्टबिन थोड़ा सा छोटा मोटा कचरा डाल सकते हैं यहाँ पे भी। और फुट रेस्ट देखेंगे, फुट रेस्ट दिया गया कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे आप देखेंगे पकड़ने के लिए हैंडल भी दिए गए हैं ऊपर। और यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए एक रेक भी दी गई है, काफ़ी ठीक ठाक है, स्पेसियस रेक है। और यहाँ पर आपको जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए दो सीट दी गई हैं एक्स्ट्रा। ये दोस्तों प्रीमियम क्लास का कोच है, इकोनॉमी का अभी आया नहीं है, ये प्रीमियम क्लास का कोच है। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एक LCD लगेगी, यहाँ पे एक LCD लगेगी, अभी है नहीं, LCD लगी नहीं है, ये ओनली प्रोटोटाइप है। और देखिए काफ़ी शानदार प्यारा सा कूल लग रहा है मेरे को। और रेड एंड ब्लू का इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है। और हर सीट पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं हर सीट पे चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। और एक विंडो आपको, एक गेट यहाँ पे मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड क्लास का एरिया है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सामने एक, अभी तो मिरर लगा दिया है इन्होंने, लेकिन जब ये बन के तैयार होगा पूरा इसका, तो पूरा कोच लगेगा, अभी इतना ही प्रोटोटाइप के लिए आया है ये, ठीक है। और काफ़ी शानदार एरिया है और वाकई में काफ़ी शानदार लगा मैं इसको प्रोटोटाइप। CCTV कैमरे भी दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप, CCTV कैमरे दो इधर हैं। और आपको AC बैंड मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा AC बैंड, ठीक है। और काफ़ी शानदार एरिया लग रहा है, काफ़ी मस्त और शानदार। और इतना प्यारा इसका इंटीरियर, तो मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी शानदार लगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ।